Hi guys, welcome back to my channel. I'm Priyanka and you are watching me on official channel of Nishabd. First of all, मैंने last कुछ months में Jewelry Box नहीं launch किया था because of corona and then 1 month back I lost someone who was very close to me, my mentor, my godfather, who guided me every time, every moment. When I started, I still remember when I started Nishabd, he trusted me like anything and he supported me. So I lost him. So थोड़ा जो कुछ महीने ऐसे ही बीते बट येस आई एम बैक विद सम न्यू ज्वेलरीज और इस मंथ का ज्वेलरी गेट बॉक्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ. सो जो फर्स्ट आइटम है उसमें वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसका कलर भी बहुत अच्छा है. फर्स्ट वन इज दिस चोकर. इफ यू सी द कलर एंड द डिज़ाइन, ठीक है, इसमें लेयरिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा फिक्स हो जाएगा ये चोकर कुछ इस तरीके से आपकी नेक पे. इवन यू कैन कैरी इट विद शर्ट. और इसका लुक जो है वो काफ़ी क्लासी टाइप का आ रहा है. अगर आप देखेंगे तो इस चोकर को आपको इस बॉक्स में ही मिलेगा. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. इसके साथ साथ इसका मैचिंग का ब्रेसलेट भी है. इफ़ यू विश यू कैन कैरी इट विद ब्रेसलेट. कुछ इस तरीके से इसका लुक है. वाइट शर्ट्स के साथ यू नो ब्लैक शर्ट्स के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कुछ अगर आप इस तरीके से इसको कैरी करें तो. ये बिल्कुल आप देख रहे हो लुक बिल्कुल चेंज हो गया है इसमें. और बाकी आप इतने ड्रेसेस के साथ इसको इजीली कैरी कर ही लोगे. यू नो वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी इसको इजीली कैरी कर सकते हो. इसका जो ब्रेसलेट है वो भी आपको एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल ओपन होके आराम से निकल आता है. इसी तरीके से ये चोकर है आपके नेक पे इजीली एडजस्ट हो जाएगा. इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. कलर इसका जो है वो बहुत प्यारा है. सो फर्स्ट आइटम जो आपको मिल रहा है कॉम्बिनेशन में वो ये नेकलेस विद ब्रेसलेट है. आप इसको अलग अलग भी कैरी कर सकते हो, साथ में भी कैरी कर सकते हो. जो सेकेंड आइटम आपको मिल रहा है वो ऑक्सीडाइज नेकलेस है. बहुत लाइट वेट है. इसको देख के आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये हैवी है. बहुत लाइट वेट है. और इसका पेंडेंट कुछ इस तरीके से, ये पेंडेंट है देखिए, इसमें त्रिशूल के डिजाइन है एंड देन हैंगिंग है. थोड़ा मिरर वर्क भी है बट सिंपल सोवर है. सिंपल सोवर डिजाइन है. इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होने वाला है. इसको भी आप इतने ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हो. बाकी आपके ऊपर है, आप अच्छा स्टाइल करते हो किसी भी चीज़ को तो इसको दूसरे आपके पास चोकर्स हैं उसके साथ भी पेयर कर सकते हैं. तो इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये लेंथ कुछ इस तरीके से इसकी यहाँ पर, ठीक है. और लुक भी आप देखिए काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पर. अगर आप देखेंगे तो लुक ये बीट्स काइंड ऑफ डिज़ाइन पूरा ऑक्सीडाइज में है. और इसके साथ आपको ईयरिंग भी मिल रहे हैं तो अच्छा है. यू आर गेटिंग ऑल दिस. ये आपको ईयरिंग मिल रहा है. अगर आप ईयरिंग भी अलग से कैरी करना चाहते हैं तो आप ईयरिंग भी कैरी कर सकते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट सेट. ये आएगा. आप इसको प्लेन कुर्ती साड़ी सब पर कैरी कर सकते हैं. अगर आपका कुछ वेस्टर्न जीन्स टाइप की भी अगर कुछ आपका टॉप है उसके साथ भी कैरी कर सकते हो बिकॉज मैंने इसमें बहुत अच्छा कैरी किया था. मेरे पास वो पिक नहीं है, अदरवाइज मैं आपको साथ शेयर करती. बहुत अच्छा लग रहा था इस पे उस ड्रेस पे भी. तो ये आपका इस तरीके की ईयरिंग एंड देन सेकेंड जो आपको नेकलेस है वो ये ऑक्सीडाइज पेंडेंट नेकलेस. सो जो थर्ड आइटम मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ईयरिंग. लाइट वेट ईयरिंग है कुछ इसका डिजाइन इस तरीके से. बहुत लाइट वेट है. सिंपल सोवर क्लासी बहुत ही प्यारा डिजाइन है. बहुत ही लाइट वेट है. आप इजीली पूरे डे पहन सकते हैं इसको अपनी ड्रेसेस के साथ. आप वेस्टर्न के साथ भी कर सकते हैं, इतनी के साथ भी पहन सकते हैं. बहुत बहुत अच्छा लाइट वेट ईयरिंग है. अगर आप कलर ब्लू ही है इसमें एंड ये भी थोड़ा सा ये जो बैक वाला साइड है वो थोड़ा ब्लैकिश में है एंड देन
ये आपका ब्लू स्टोन टाइप का। तो ये आपका थर्ड आइटम हो गया। जो फोर्थ है वो इयररिंग है, दिस वन पैटल, जो स्ट्रक्चर है पैटल, फॉर्न पैटल होती है, फॉर्न पैटल के डिजाइन में ये है इयररिंग। लाइट वेट है, सिंपल सोवर में है और अच्छा भी लगता है इस तरीके के जो कुछ प्रोडक्ट है। ये डिजाइन है, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट वेट है। अगर आप देखें इसके डिजाइन को, इसके पैटर्न को, फिनिश बहुत अच्छी है, शाइनिंग बहुत अच्छी है इसकी, ऑक्सीडाइज में है और बहुत ही प्रिटी पीस है ये। सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो जब मैंने देखा था तो मुझे इसकी याद आई थी, ड्रीम कैचर होता है ना, ड्रीम कैचर, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था, इट्स लाइक ड्रीम कैचर, नहीं आपको नहीं लग रहा? जब मैंने देखा था तो आई थॉट इट्स ड्रीम कैचर, तो मुझे, मैंने कहा इसको लेना चाहिए बिल्कुल। और ये इसका लुक कुछ इस तरीके से है, इसमें जो यहाँ पर ये स्टोन है, ये नेचुरल स्टोन है, इसमें नेचुरली उसको बोर करके इसको लगा बनाया गया है और हैंडमेड है, कम्प्लीटली हैंडमेड है। जब आप इसके डिजाइन को देखेंगे, पूरा हैंडमेड डिजाइन है ये, एंड ड्रीम कैचर जैसे, उसमें था फेदर की जगह यहाँ पर बस बीट्स लगे हुए, नेचुरल बीट्स, कलरफुल, मल्टी कलर है, सेम कलर है, आप अपनी इतनी ड्रेसेस के साथ इसको इजिली कैरी कर सकते हैं, बट दिस इज हैंडमेड, प्योरली हैंडमेड। सो गाइज, मैंने आपको सारे आइटम्स दिखा दिए हैं, आप जा सकते हैं एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो इसमें बहुत अच्छे हैं। आई जस्ट ट्रस्ट मी, दीज टू आइटम्स आर सो ब्यूटिफुल, यू विल नॉट रिग्रेट टू ऑर्डर दिस बॉक्स। इफ यू विश यू कैन गो एंड ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इज $4.99, येस इट्स अर्लियर इट वॉज $3.99 बट नाउ इट्स $4.99। इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर इट देन सारी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप वहां जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं और अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप अपने आइडियाज मुझे शेयर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, सीरियसली लास्ट फ्यू मंथ्स कुछ अच्छे नहीं थे मेरे, बट स्टिल आई एम कम बैक विद द फुल पोटेंशियल एंड फुल एनर्जी, लुकिंग फॉर योर सपोर्ट टू। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।